साहेब साहेब सब कहें मोह अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कि ठौर। सभी लोग साहेब साहेब कह रहे हैं, परंतु सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुझे तो कुछ और ही चिंता है। जो असली साहेब है उससे तो लोगों का परिचय ही नहीं है, फिर वे लोग किस जगह पर किस ठौर पर बैठेंगे। साहेब स्वामी मालिक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अनेक शब्द हैं, साहेब के अर्थ बहुत होते हैं, मित्र साथी मालिक आदरणीय पूज्य ईश्वर। यहाँ साहेब से भाव है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, उसको खुदा गाड भी कह सकते हैं, एक परम तत्व। जहां जाओ जिस मत पंथ संप्रदाय में जाओ सब लोग कह रहे हैं हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को खोज रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, और हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस एक ही इच्छा है भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए, बस जीवन सफल हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अपने अपने ढंग से सब लोग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड मालिक स्वामी ये सब कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। उसको पाने के लिए भक्ति साधना ध्यान चिंतन कर रहे हैं और नाना कर्मकांड कर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे कुछ और अंदेशा है, कुछ और संदेह है। ये लोग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तो कहते हैं लेकिन जो असली ईश्वर है, असली ब्रह्म है, असली परमात्मा है, उसे लोगों का परिचय नहीं है। उस असली ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। असली ईश्वर असली ब्रह्म परमात्मा तो अपना आपा है, अपनी सत्ता निज स्वरूप, और उसका लोगों को परिचय नहीं है। लोग कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ, जी तो तुच्छ है किंचिज्ञ है। तो साहब कहते हैं तब तुम कहाँ बैठोगे, तुम्हारी स्थिति कहाँ होगी। चाहे जितने शब्द कह लिए जाएं, सबकी चरितार्थता अपने स्वरूप में ही होगी। शब्द बड़े नहीं होते, शब्द बोलने वाला शब्द ही बड़ा होता है। सारे शब्दों को बनाने वाला
इस जीव ही तो है और उससे परिचय नहीं है। तब लोगों को स्थिति कहाँ हो मिलेगी, ठहराव कहाँ होगा। हर मौलिक वस्तु का आश्रय उसका अपना स्वरूप होता है। जहाँ का पद तहाँ समाई, से आप कहते हैं जहाँ का पद है, जो वस्तु है वह अपने में ही स्थित होगी, पर कभी अपना आश्रय स्थल, अपना स्वरूप, अपना निर्णय, अपनी स्थिति भूमिका हो नहीं सकता, पर ही रहेगा, चाहे जो नाम ले ले। और अपना आपा वो छूट नहीं सकता है, कितना भी हम उसका तिरस्कार करें, कितनी भी अवहेलना करें, लेकिन अंत में ठहराव अपने आप में ही होगा, दूसरे में ठहराव नहीं हो सकता। दूसरे में ठहराव होगा तो उससे वियोग हो जाएगा। अपने में ही स्थिति होती है तो, और उससे अपने आपा से, निज स्वरूप से परिचय नहीं है, उसको न जानकर ही आदमी बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सब खोज रहा है। तब कहाँ ठहरा होगा, कहाँ स्थिति होगी, विश्रांति कहाँ मिलेगी लोगों को। अपने को छोड़कर केवल भटकना होगा, कहीं विश्रांति न मिलेगी, ठहराव न होगा। घूम फिर करके अपने में ही आना होगा और उसे परिचय नहीं है। तो शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहाँ लिखा है, कौन कहता है, कितने बड़े शब्द हैं, ये भ्रम में पड़े कि भटके। सहज लोग कह देते हैं कि हे भगवान, हे राम, हे परमात्मा, वो तो अलग बात है, एक आदत जैसी बन गई है। लेकिन आदत जैसी बन जाने पर भी उसका भाव क्या है, असली भगवान, असली परमात्मा राम है क्या, पता नहीं। सुन लिया है लोगों ने एक ऐसा ईश्वर है, परमात्मा है, जिसने दुनिया बनाई, जिसकी सत्ता से दुनिया चल रही है, सब कुछ, सारी क्रियाएं हो रही है, विचार नहीं कर रहे हैं, सुन लिए, पकड़ लिए। विचार करते, चिंतन करते, तब ये सब कहना नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं केवल साहेब साहेब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहने से काम नहीं होगा, उसकी हकीकत को समझो। जब विचार किया जाएगा, बारीकी से चिंतन किया जाएगा, तब असली ईश्वर राम परमात्मा का परिचय मिलेगा। अब तब ठहराव होगा, तब विश्रांति मिलेगी, अन्यथा केवल भटकते रहना होगा।
जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया कृपालिए पंडित करो विचार। जीव की सहायता के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। जीव ही जीव का आधार होता है, सहारा होता है। इसलिए ऐ पंडितों, विचार करो और विचार करके जीवों पर दया करो, उन्हें सही रास्ता बताओ। जीव का कोई सहारा है, कोई कल्याण करने वाला है, रक्षक है, तो दूसरे जीव हैं। चाहे व्यवहारिक रूप से हो, व्यवहारिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। माता पिता जीव हैं, भाई बंधु जीव हैं, मित्र परिवार के लोग जीव ही हैं, नाते रिश्तेदार सब जीव हैं, समाज के जो लोग हैं वे सब जीव हैं। अब इनके द्वारा ही तो रक्षा होती है। इनको छोड़कर के रक्षा करने वाला और दूसरा कौन है? एक जीव से दूसरे जीव, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की सुरक्षा हो रही है, उसे सहायता मिल रही है, सेवा हो रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जीव ही जीव का कल्याण करने वाला है। संत जीव हैं, गुरु जीव हैं, महात्मा लोग जीव हैं, सही रास्ता बताने वाले जीव हैं। जीवों को हटा दें तो जीव का कल्याण करने वाला कौन? हमारी समस्याओं का निराकरण समाधान कौन करता है? लौकिक ऊपर लोक लोकास में माने गए कोई देवी देवता की परमात्मा, या प्रत्यक्ष जो संत गुरु हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, विद्वान हैं, वे लोग करते हैं। ईश्वर कल्याण करने वाला है, ईश्वर सबका मंगल करता है। एक भावतापूर्ण कथा सुनी सुनाई बात, आज तक कोई देवी देवता आकर के किसी को सही रास्ता नहीं बताया है। कहा जाता है कि अमुक को ईश्वर ने दर्शन दिया, अमुक को ईश्वर ने दर्शन दिया, अमुक को अमुक भगवान मिले, अमुक को हनुमान जी मिले, अमुक गणेश जी मिल गए। भावतापूर्ण कहानियां हैं। किसी को कोई अलग से आकर के मिलता, जो शरीर छोड़ करके चले गया वो आकर कैसे मिल सकता है? कि राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद कबीर तुलसी, या मान लो हनुमान गणेश ब्रह्मा विष्णु सब रहे हों किसी काल में, तो आज उनका शरीर नहीं है। जो जीव शरीर छोड़कर चला गया, यदि वो मुक्त हो गया तो सहायता कर नहीं सकता। हम कितने भी उसकी विनय वंदना करें, कितनी प्रार्थना करें, कितना नाम जपें, कुछ भी करें, यदि मुक्त है तो हमारी प्रार्थना को वे सुन नहीं सकते, क्योंकि मुक्त जीव के पास शरीर है नहीं। शरीर नहीं है तो हाथ पैर आँख नाक कान जीव त्वचा आदि कोई इंद्रियां नहीं है, तो सुनेंगे कैसे और सहायता कैसे करेंगे? हमारी भावना हो सकती है, उस भावना से हम प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, विनय वंदना करते हैं,
तो ये लगता है कि मैंने अपने इष्ट के पास, अपने भगवान और गुरु के पास अपनी बात रख दी है, वही रास्ता दिखाएंगे। उसी का मनोबल होता है, सात्विक भावना आती है, और सात्विक भावना जब आती है मन थोड़ा शांत होता है, साहस बढ़ता है, तो अंदर से ही एक रास्ता मिलता है, ऊपर से कोई रास्ता नहीं बताता है बाहर से। तो पूर्व पुरुष नाम चाहे जो हो, यदि हम ये माने कि वे मुक्त हो गए, अलौकिक है, उनके पास कोई शरीर नहीं है, तो हमारी विनय वंदना को सुन नहीं सकते, और शरीर नहीं है तो कोई सहायता कर नहीं सकते। यदि वो मुक्त हो गए, यदि मुक्त नहीं हुए तो अपने कर्म संस्कार अनुसार फिर देह धारण किए होंगे, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, किस शरीर में है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, और पर सहायता कैसे करेंगे। वो प्रत्यक्ष जो जीव दूसरे हैं, सामने हैं, वे लोग हमारी विनय वंदना सुन सकते हैं, हमारे प्रश्न को सुन सकते हैं, समाधान सुझा सकते हैं। जो भी हो हमारे सामने हैं, वो जीव ही हैं, उनको छोड़ करके कोई अलग से जीव की सहायता करने वाला, कल्याण करने वाला, रक्षा करने वाला दूसरा कोई है नहीं। जीव ही जीव का रक्षक होता है, जीव ही जीव का कल्याण करने वाला, कल्याण मार्ग बताने वाला होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीव दया करे पालिए, पंडित करो विचार। ऐ पंडितों, विचार करो इस पर, और दया करके जीवों को पालन करो, उन्हें सही रास्ता बताओ, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें भटकाओ मत। संत, महात्मा, पंडित या अन्य धार्मिक नेता, ये लोग समाज को रास्ता बताने वाले होते हैं, सही दिशा में ले जाने वाले। और इनके अंदर स्वार्थ आ जाए तब उल्टा रास्ता ले जाते हैं, जिससे इनके स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। सही रास्ता बताना एक बहुत बड़ी बात है। साहब कहते पंडितों, स्वार्थ में मत पड़ो, जीवों पर दया करो और उन्हें सही रास्ता बताओ, सही मार्ग दिखलाओ, कल्याण का सही उपाय बताओ। गलत उपदेश मत दो, गलत रास्ता ना बताओ, कर्मकांडों में, मिथ्या महिमाओं में, चमत्कारों में भटकाओ मत। एक आदमी है, किसी को धोखा दिया, लोभ दिया, लालच दिया, और उसके रुपये पैसे को लूट लिया। प्रत्यक्ष रूप से कोई मीठी मीठी बात करके, बाला फुसला करके उसके रुपये पैसे को लूट ले, और बाद में पता चले इन्होंने मुझे धोखा दिया, तो वो उस पर मुकदमा दायर कर सकता है, और न्यायाधीश को पता चल जाए कि हाँ सचमुच में इन्होंने ऐसा किया, तो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है, उसका पैसा लौटाने को कह सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो लूटा जा रहा है, चमत्कार दिखला बताकर, मिथ्या महिमा बताकर, अंधविश्वास में डालकर, भ्रम में डालकर, पाप काटने सते नुस्खे डालकर बताकर, इनके विरुद्ध कहाँ मुकदमा दायर करोगे? ये तो कल्याण करने वाले हैं,
मुक्ति गति देने वाले हैं। धर्म के नाम पर ऐसा पाखंड, ऐसा जाल, ऐसा षड्यंत्र है और भयंकर क्रूरतापूर्ण। एक कम हिंसा नहीं है, किसी को लाठी डंडे से मारना वो प्रत्यक्ष हिंसा है, और किसी को गलत बात बताकर भ्रम में डालकर उलझा देना, भ्रांति में डाल देना, ये भी कम हिंसा थोड़े है, भयंकर हिंसा है। लेकिन ये हिंसा समझ में नहीं आती है। और जहाँ जाओ वहाँ पर हर मत पंथ संप्रदाय में ये ऐसी हिंसा चल रही है। अब ये हिंसा करने वाले कौन हैं? धर्म के पुजारी, धर्म को उपदेश देने वाले, कल्याण करने वाले लोग। सदगुरु कहते हैं कि ऐ पंडितों, जीवों पर दया करो, उन्हें सही रास्ता बताओ, सही उपदेश दो जिससे उनका कल्याण हो, उन्हें सुख मिले, शांति मिले। जीव दया करे पालिए, पंडित करो विचार। इससे ऐसा भी हो सकता है कि ऐ पंडितों, जीवों पर दया करो, दया करके उनका पालन करो, धर्म और ईश्वर के नाम पर जीव हत्या मत करो। ये बलि कुर्बानी के नाम पर जीवों की हत्या करना प्रत्यक्ष क्रूरता है, हिंसा है। और ये मानना कि हम ऐसे जीवों की, बकरी मुर्गा भेड़ा आदि की हत्या करेंगे तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुश हो जाएगा, महाजंगलीपन। लेकिन ये जंगलीपन धर्म के नाम पर चल रहा है, इसमें चल रहा है। नवरात्र, इस नवरात्र में कितनी जगह करुणामयी, ममतामयी माँ के नाम पर उनके सामने ही, उसकी मूर्ति के सामने ही सैकड़ों सैकड़े बकरे मुर्गे भेड़े रोज काटे जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि इससे हमारी माँ खुश होगी, हमें आशीर्वाद देगी। किसी जीव की हत्या देखकर जो खुश होती है वो देवी है कि राक्षसी है? किसी जीव की हत्या देख करके जो खुश होता है वो भगवान है कि शैतान है? समान सज्जन आदमी जिसके अंदर जरा भी दया है, करुणा है, अपने सामने किसी की हत्या देकर, किसी जीव को छटपटाते देख करके वो द्रवित हो जाएगा, जो संभव होगा बचाने का प्रयास करेगा, संभव नहीं शक्ति के बाहर है तो हट जाएगा। और सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वशक्तिमान खुदा अपने सामने सैकड़ों सैकड़ों जीवों की हत्या होते देख करके खुश हो रहा है, ये तो भयंकर शैतानियत, भयंकर राक्षसीपन, इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी? लेकिन सब चल रहा है, वो भी भगवान को खुश करने के लिए। सद्गुरु कहते हैं, पंडितों, ईश्वर ब्रह्म देवी देवता को खुश करने के लिए किसी मासूम निरीह प्राणियों की हत्या मत करो, उन पर दया करो और उन पर पालन करो। चाहे जो नाम ले लो, नाम लेने से गलत बात जायज नहीं हो जाती है। बलि कहो, कुर्बानी कहो, तो हत्या उचित थोड़े हो जाएगी, हत्या धर्म थोड़े हो जाएगा, हत्या हत्या रहेगी और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो जीव ही जीव का रक्षक है, जीव ही जीव का कल्याण करने वाला है।
इसलिए जीवों पर दया करें, उनकी हिंसा हत्या ना करें और अन्य जो जीव हैं उन्हें कल्याण का रास्ता बताएं, सही मार्ग दिखलाएं। किसी को सही मार्ग बतला देना, सही सीख देना, ये बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ा धर्म है। और ऐसा जो करता है वो सही ढंग से धार्मिक है। हम तो सबकी कही, मुँह को कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। मैंने तो सबके कसर खोट को बताकर सबके कल्याण का रास्ता बता दिया है, लेकिन मेरे इस वास्तविकता को, मेरे सत्य ज्ञान को कोई जानता नहीं है। सब बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग सत्य को समझते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं ठीक, कोई मेरी बात को समझे या न समझे, माने या न माने, मैं तब भी अच्छा था। अर्थात लोगों को बात बताने के पहले भी मैं शांत संतुष्ट था, अब भी अच्छा, अभी भी मैं शांत हूँ संतुष्ट हूँ। जुग जुग हो न आन, जुगों जुगों तक मैं कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं असंतुष्ट नहीं हो सकता, अशांत नहीं हो सकता, मैं सब समय शांत और कृतार्थ हूँ। सद्गुरु कबीर धर्म के क्षेत्र में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किसी की गलती के लिए मुलाहिजा नहीं किया। जहाँ जिसकी गलती देखे कह दिए, टोक दिए, वो भी खुलेआम भीड़ में। कितना बड़ा आदमी है, कितने अधिक लोग मार रहे हैं, कितना प्रतिष्ठित है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। सबकी गलतियों के लिए टोका रोका और सही बात बताई भी। उनके इस प्रकार से रोकने टोकने से, खंडन करने से लोग चौंके, अरे कबीर तो सबका खंडन कर रहे हैं, सबको गलत बता रहे हैं, रुष्ट भी हुए। लेकिन धीरे धीरे जब कबीर की वास्तविकता लोगों के सामने प्रकट हुई कि भाई कबीर को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, किसी का कोई से कोई मोह बैर या किसी कोई पक्षपात नहीं है, कबीर अपना कोई संप्रदाय भी चलाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि दूसरे की गलती बता करके साहब ये कहते रहे हों कि देखो ये रास्ता गलत, ये रास्ता गलत, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें भगवान दर्शन कराऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारे पापों को काट दूंगा, ऐसा झांसा नहीं देते हैं कबीर, सही बात बताते हैं। तो अनेक लोग उनके अनुगामी भी हुए। यहां तक कहते हैं कि हम तो सबकी के, मैंने तो सबकी कसर खोट को बता दिया। ऐसा ही नहीं है कि साहब केवल गलतियों की ओर संकेत करते हैं, सही बात भी बताते हैं। सार तार को गहरी थोथा दे उड़ाए, इसीलिए कहते हैं थोथा को थोथा जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक उसका त्याग कैसे होगा। किसी आदमी को यह बताया न जाए कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये रास्ता गलत है, तब तक उसकी समझ में बात कैसे आएगी। वो तो गलत रास्ते पर चलता जाएगा और जितना चलेगा उतना भटकता चला जाएगा। तो ये रास्ता गलत है,
यदि हमें पूरा मालूम है कि आदमी जिस रास्ते पर जा रहा है, जहाँ जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है और इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, तो हमारा फर्ज होता है कि हम बता दें। लेकिन वो आदमी ये पूछे, ठीक है कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, तो किस रास्ते पर चलूँ? तो रास्ता बताना भी हमारा फर्ज है। यदि हमें मालूम है तो, नहीं मालूम है तो इतना कह सकते हैं, भाई इतना मैं जानता हूँ कि रास्ता सही रास्ता नहीं है, लेकिन तुम किस रास्ते से जाओगे तो मंजिल पहुँचोगे ये मुझे मालूम नहीं, अमुक लोगों से पूछ लो, वो लोगों को मालूम है। कबीर साहब गलतियां बताते हैं, भूल भ्रम की परख कराते हैं, लेकिन साथ साथ क्या सही है, क्या कल्याणकारी है, किस रास्ते पर चल करके दुख से बचा जा सकता है, परमानंद परम शांति का अनुभव किया जा सकता है, यह भी बताते हैं। खाली गलती नहीं बताते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कबीर तो केवल गलती बताते हैं लोगों की। ऐसे लोग समग्रता से कबीर वाणी का अध्ययन नहीं करते। समग्रता से अध्ययन करें तब पता चलता है कबीर केवल गलती नहीं बताते, सही रास्ता भी बताते हैं। और ये सोच लो, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा आपको क्या तकलीफ है, जहाँ जहाँ हमारी तकलीफ होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, डॉक्टर उस बारे में पूछता है। डॉक्टर ने पूछता तुम्हारी आँख सही है कि नहीं है, तुम्हारे हाथ में दर्द, हाथ सही है कि नहीं है, कि पेट सही है कि नहीं है। ये डॉक्टर नहीं पूछता है कि तुम्हारे शरीर का कौन कौन अंग ठीक ठाक काम कर रहा है। और हम ये कहें डॉक्टर साहब पूरा शरीर ठीक है, खाली पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा पूरा शरीर ठीक है, खाली पेट में दर्द है तो चलेगा, इसकी कोई दवा करने की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर काम का होगा? खाली पेट में तो दर्द है ना, बाकी तो सब ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो चल सकता है। तो डॉक्टर एक मार डालेगा रोगी को। और कबीर यही करते हैं। यदि ये कहा जाए कि गलती है तो कबीर यही कह रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे तुम्हें क्या क्या अच्छाई है। जो गलत है, जिससे दुख मिल सकता है, जिससे तुम भटक सकते हो, वो बात बताते हैं कि ये काम छोड़ो, ये गलत है, इस रास्ते न जाओ, ये रास्ता गलत है, बस ये बता रहे हैं। फिर तो गलत को जब गलत बताया जाएगा तभी तो त्याग होगा। और गलती से हम आँख मूंद लें, कोई गुरु अपने शिष्य की गलतियों से आँख मूंद ले कि मेरे शिष्य में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसकी एक दो गलती है, एक दो गलत काम कर लिया, उसके लिए क्या करना है, उसे आँख मूंद ले, तो क्या गुरु शिष्य का पूरा कल्याण कर पाएगा? गुरु का काम ही है जहाँ जहाँ शिष्य की गलती देखे वहाँ वहाँ टोकते रहना, नहीं बेटा ये गलत है, ये गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। क्या करना है तो बता ही रहे हैं गुरु, लेकिन क्या नहीं करना है यही बताते हैं। और जो नहीं करना है हम उसे करते हैं तो टोकना भी गुरु का फर्ज है। और शिष्य गलत रास्ते में जा रहा है और जानते बुझते देखते हुए भी गुरु शिष्य को टोक नहीं रहे हैं तो गुरु अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। गुरु ये नहीं देखते कि शिष्य कौन कौन अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो देखते,
उसके लिए तो आया ही शिष्य के पास, कहाँ कहाँ गलती, कहाँ कहाँ भटक सकता है शिष्य, क्या क्या सावधानी रखनी है, इन बातों को सीख देता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम तो सबकी कही, हमने तो सबकी कसर खोट पर खा करके बता दिया, सबकी गलतियों को बता दिया, और ये भी बता दिया कि किस रास्ते पर चलना है, क्या अच्छा है, क्या कल्याणकारी है। लेकिन साहब कहते हैं मोको कोई न जान, मोको कोई समझ न सका, मुझे कोई समझ न सका, ये भी कहने का तरीका है। अर्थात बहुत कम लोग समझे, इतना निश्चित है। सदगुरु कबीर महान प्रतिभा के धनी, अद्भुत व्यक्तित्व उनका, सब कुछ उनका अद्भुत रहा है, और उनके व्यक्तित्व से, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके पास आए, नाना विचारों के लोग उनसे जुड़े, जहाँ वे रहते रहे वहाँ उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती थी। लेकिन किसी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके साथ हो लेना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, यह अलग बात है, और उनकी शिक्षाओं का पालन करना, उनकी शिक्षाओं का जीवन में आचरण करना, यह अलग बात है। पास में रहने मात्र से, प्रभावित हो जाने मात्र से काम थोड़े बनेगा। कितने लोग कहते थे जब गुरुजी प्रचन सुनते थे तो कि साहब जी बात तो सही, बिल्कुल सही करते हैं, यही इसी में कल्याण है, लेकिन क्या करें, पहले से मानते आए हैं, छोड़ कैसे दें। तो फिर बात तो सच्ची है, प्रेम उस सच्ची बात से उसका प्रेम है, त्याग से बैराग के जीवन का रहनी देकर प्रेम है, लेकिन पूरी बात नहीं माने तब तक काम कैसे चलेगा। तो ऐसे तमाम लोग आए, ये नहीं कहा जा सकता कि जो पास में रहने वाले लोग हैं वो सब अनुगामी ही हो जाते हैं। संपर्क में होना अलग बात है, और संबंध होना अलग बात है। संपर्क और संबंध बाहरी दृष्टि देखे तो एक में है, लेकिन जैसे तेल और पानी एक बर्तन में रख दो, दोनों साथ साथ हैं, लेकिन कभी दोनों में मेल नहीं होगा। तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, हिला भी दो तो लगेगा कि दोनों मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग। तेल और पानी का कभी संबंध नहीं हो सकता, संपर्क होता है, संबंध नहीं होता। लेकिन दूध और पानी डालते ही संबंध हो गया, एक दोनों मिल गया, अब अलग अलग नहीं किया जा सकता, दिखेगा भी नहीं। तेल और पानी तो साथ रहते भी दिखाई पड़ता है कि तेल ये पानी, संपर्क है, संबंध नहीं है। लेकिन दूध और पानी में डालते ही संबंध हो गया, अब अलग अलग नहीं किया जा सकता, इतना दूध है, इतना पानी है। तो किसी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पास आ जाना है, अलग बात है, और उनकी शिक्षाओं को मान करके वैसे जीवन जीना, बिल्कुल उनका अनुगामी बन जाना, वो अलग बात है। सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग आए कबीर साहब के संपर्क में, लेकिन उनके खरे पारक ज्ञान को कितने लोग मान पाए। आज भी कबीर साहब के प्रेमी कितने लोग हैं, हर मत पंथ में वाले लोग कहते हैं भी कबीर तो पहुंचे हुए ज्ञानी थे, कबीर जैसा संत, कबीर जैसा खरा कहने वाला तो कोई नहीं हुआ, सब प्रशंसा करते हैं।
लेकिन कबीर साहब के पूरे पूरे पारक ज्ञान को मानने वाले उनका अनुगामी करने वाला, उनका अनुगमन करने वाला कितने लोग मिलते हैं? थोड़े लोग। उस समय भी थोड़े लोग थे, आज भी थोड़े लोग हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैंने सबकी बात बताई, सबके कल्याण का रास्ता बताया, लेकिन मेरे वास्तविक सिद्धांत को, मेरे सच्चे ज्ञान को मानने वाले बहुत थोड़े लोग, थोड़े लोग ही मान सके, उस पर चल सके। लेकिन साहब कहते हैं, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, लोग मेरी बातों को मान पाए या न मान पाए, उपदेश देने के पहले मैं अच्छा था, अर्थात पूर्ण शांत संतुष्ट, अपने आप में कृतार्थ तृप्त, और अभी भी मैं वैसा ही हूं, पूर्ण शांत तृप्त कृतार्थ। मेरी वास्तविकता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जुग जुग होना, चाहे जुगो युग बीत जाए, मेरी वास्तविकता में फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी शांति में, मेरे संतोष में, मेरी तृप्ति में कोई कमी नहीं होने वाली है। कृतार्थात्मा पुरुष की बात को कोई माने या ना माने, बहुत लोग मानने वाले हो जाए उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को, तो उनकी कृतार्थता बढ़ जाएगी, उनका संतोष बढ़ जाएगा, उनकी आत्मतृप्ति बढ़ जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, वे तो पूर्ण संतुष्ट हैं ही, तृप्त हैं, कृतार्थ हैं, जो करना चाहिए था वो उसे कर लिए हैं। उनकी मुक्ति की गति थोड़ी एक डिग्री बढ़ जाएगी, बहुत लोग मानेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो उपदेश उन्होंने दिया उसे किसी ने नहीं माना, सुना तो लेकिन माना किसी ने नहीं, तो उनके उनकी शांति में, उनके संतोष में, उनकी तृप्ति में, उनकी कृतार्थता में, उनकी मुक्ति में एक आध डिग्री कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी उतने वो संतुष्ट, सब समय वे संतुष्ट तृप्त कृतार्थ। कोई उसकी बात मान ले तो उनका भला होता है, नहीं मान उसका भला होता, कुछ नहीं, मानने वाले का भला होगा, ना मानने वाले का अपना गलत, ना मानने वाले दुख में भटकेंगे। तो यहाँ सद्गुरु कबीर दोनों बात बता देते हैं, मैं सबके कथर खोट को परखा कर सबके कल्याण का रास्ता बताता हूँ, लेकिन मेरी सही ज्ञान को मानने वाले कम हैं। और रही बात मेरी अपनी, साहब कहते मैं सब समय पूर्ण कृतार्थ तृप्त शांत संतुष्ट, वे इसी साखी प्रकरण में पहले कह गए हैं, कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, मैं तो चंदन की डार पर चढ़कर सर्व स्थिति की भूमिका में आड़ूर होकर, पूर्ण कृतार्थ होकर, पूर्ण तृप्त होकर लोगों को पुकारते जा रहा हूं। लोग मेरी बात ना माने तो मेरे से क्या बिगड़ेगा? कृतार्थात्मा पुरुष के कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता, बिगड़ता हमारा है, बनता हमारा है। उनकी बात को मान लें हमारा कल्याण, ना माने तो हमें भटकना ही भटकना है। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखे न कोए, सहना छिपा पाया अर्तर को कही बैरी होए। यदि मैं सारी बातें खोल करके कह देता हूँ कि झूठ को झूठ और सांच को सांच, तो लोग मारने दौड़ते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, नाराज होते हैं, पर्दा लखे ना कोई। और यदि मैं कुछ आड़ लेकर के संकेत में बात बताता हूँ तो लोग समझते नहीं हैं। जो सहना है, फसल का जो चौकीदार है, जिसके फसल की रक्षा में रखा गया है, वही आदमी पुआल के अंदर छिप करके अन्न के दानों को चुरा रहा है, लेकिन ऐसा कह करके बैरी कौन बने, दुश्मनी कौन मोल ले? प्रकट कहाँ तो मारिया, साहब कहते हैं कि मैं खोल करके सारी बातें कहता हूँ,
तो लोग मारने दौड़ते हैं। संतों देखे जग बौराना, साँस कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। संतों बोले ते जग मारे, बहुत वार्तालाप कहते हैं। और कबीर साहब जैसा साँस को साँस झूठ को झूठ कहने वाले तो बहुत कम लोग। कितना विरोध किया गया कबीर का, हजारों हजारों लाखों लोग जिस बात को मानते आ रहे हैं, जिस भावधारा में बह रहे हैं, हजारों साल से जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है उसको खुलेआम कह देना कि बात बिल्कुल झूठ है, कितने बड़े हिम्मत का काम होगा। और लोग तो एकाएक चौंक जाएंगे और कहेंगे ये तो पागल आदमी है, इतने लाखों लोग मार रहे हैं, इतनी बड़ी पुस्तक में लिखी हुई है, इतने बड़े पुरुष ने कहा है, ये झूठ कैसे हो सकता है, ये आदमी पागल हो गए हैं, हटाओ इसको यहाँ से। आज भी लोग ये कर रहे हैं। कहीं आप चले जाओ, मैहर विंध्याचल या जगह जहाँ जीव हत्या हो रही है वहाँ कहो ये हत्या पाप है, झूठ है, देवी खुश नहीं होगी, तो इतनी कृपा उनकी बहुत होगी कि इसको दो चार थप्पड़ लगा करके खदेड़ देते, नहीं कहेंगे इसी आदमी को मार डालो यहीं पर ही। आज भी हो रहा है, सही को सही कहने से लोग मारने दौड़ते हैं। खुली बात, खुला सत्य आदमी को पछता नहीं है। कुछ झूठ मिला करके कहो, थोड़ी महिमा बता करके, तब लोग कहते हाँ ये बात सही हो सकती है। हजारों साल से झूठी बातें, महिमापूर्ण बातें सुनते 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 आदमी की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि खरा सत्य पचता नहीं है। अब बचपन से जो आदमी मिलावटी दूध पीने का आदि बन गए, उसे आज भैंस का खरा दूध पिला दो तो क्या होगा, तो बीमार पड़ेगा पड़ेगा। और मिलावटी दूध पीने की आदत हो गई है लोगों की, इसलिए कहते हैं अरे ये पता नहीं ग्वाला दूध में क्या मिला दिया था, पेट खराब हो गया था। अरे पेट खराब था कि तो वो खराब था, तो ऐसे है। झूठी बातें सुनते सुनते लोग गया कि हाँ यही सही है, यही कल्याण का रास्ता है। अब वहाँ पर खरा बात, खरी बात कहो, खरा सत्य कहो, तो लोगों को पता नहीं, हजम नहीं होता, कहते हैं ये आदमी कहाँ से पागल आ गया है, झूठी बातें बता रहा है, लोग मारने दौड़ते हैं। साहब कहते हैं पर्दा रखे ना कोई, कुछ आड़ लेकर के कहो, संकेत में कहो, तो लोग समझने को तैयार नहीं है, समझते ही नहीं है, संकेत को ही पकड़ लेते हैं बस, उसके पीछे निर्देश क्या है समझने को तैयार नहीं। साहब उसको आगे बताते भी हैं कि सहना छिपा प्यार तर को के ही बैरी होए, सहना पुआल के नीचे छिपा हुआ है, पुआल के पीछे, और अन्न के दानों को चुरा रहा है, तो ऐसा कह करके बैरी कौन बने। दो लोगों के बीच किसी जमीन को लेकर के जब विवाद होता है तो पंचायत होती है, मुकदमा चलता है। एक आदमी कहता है कि खेत मेरा है, एक आदमी कहता है खेत मेरा है, और दोनों खेत की फसल पर कर रहे हैं दावा, तो किसे मिले। तो जब तक विवाद का निर्णय ना हो जाए तब तक के लिए उस खेत की फसल की रखवाली के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है, उसे सहना कहा जाता है। पहरेदार, चौकीदार, रखवाला, कुछ भी कहो, वो सहना है। उसका काम क्या है, खेत की फसल की रक्षा करना। उसके परिणाम में उसे कुछ मजदूरी मिल जाती है, रखवाली कर रहा है तो उसका काम तो केवल रक्षा करना है।
लेकिन वो जो जिसे रक्षक बताया बनाया गया है वही खेत की फसल में से ही अन्न के दाने को काट काट कर चुरा चुरा करके ले जाए तो फसल की रक्षा कैसे होगी। और जो बताएगा लोगों को उस पहरेदार को हो जाएगा बैरी, क्योंकि समझेगा कि ये तो मेरे स्वार्थ में बाधा है, दुश्मनी मोल ले लेगा और उसे के ही विरोध करने लग जाएगा, उसे दुख देने लगेगा। सहना है ये नाना मत के पुरोहित लोग, मुल्ला मौलवी पंडित पादरी महात्मा साधु, ये सब लोग सहना है। ये लोग जीव के कल्याण की रक्षा करने वाले हैं। जीव विवाद में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा, बंधन में पड़ा, भटक रहा है, तो ये लोग उसके चौकीदार बनते हैं, रक्षक बनते हैं। लेकिन पुआल के नीचे छिप करके भ्रम का आवरण डालकर किसी देवी देवता किसी बड़े पुरुष किसी धर्मग्रंथ का नाम लेकर देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है, हजारों लोग वर्षों लोग बात मानते आ रहे हैं, एक सहारा लेकर आड़ लेकर के झूठी झूठी बातें लोगों को बता रहे हैं। जो दुखदाई है उसे कह रहे हैं कि इसमें सुख है, जो अज्ञान है उसे कह रहे हैं कि ये ज्ञान है, जो भ्रमपूर्ण है उसे कह रहे हैं कि यह कल्याण का रास्ता है। इन नाना मत के पुरोहित उसे कुछ भी कह लें, मुल्ला कहें, मौलवी पादरी कहें, कबीर साहब के नाम पर क्या क्या चल रहा है, कबीर ने जो कहा नहीं है वही कहा जा रहा है कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है, कबीर साहब ने पूजा करने कहा है, कबीर साहब ने ऐसा करने को कहा है, सब चल रहा है। एक सहारा ले लिया है, कबीर का सहारा ले लिया, राम का ले लिया, बुद्ध का ले लिया, महावीर का लिया, कोई धर्मग्रंथ का सहारा ले लिया, और सहारा लेकर के लोगों के ज्ञान धन शांति धन कल्याण को लोग चुरा रहे हैं। चुराना क्या है, भटका देना, भ्रम में अंधविश्वास में चमत्कार में लोगों को भटकाना, सत्य सत्य उपाय बता करके कह देना कि यही से तुम्हारा बंधन कटेगा, यही मोक्ष मिलेगा, इसी दुख में मिलेगा, ये क्या भटकाना तो है इसमें, लेकिन एक आड़ है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, देखो भाई लिखा है यहाँ पर, और इतने बड़े लोग लिखे हैं, हमारी बात मत मानो, धर्मग्रंथ की लिखी बात तो मानोगे ना, आड़ ले लिए हैं, पुआल तक पुआल टंठर का सहारा है। अब साहब कहते हैं कि लोगों को यह बताकर कि ये धर्मग्रंथ के नाम के आड़ में जो तुम्हें बताया जा रहा है सारी सारी बातें झूठी है, चाहे कहीं लिखा हो कर्मकांड के बल पर कुछ पूजा पाठ के बल पर आदमी अपने पाप कर्मों के फल से बच नहीं सकता, जो किए हो वो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, कोई किसी के पाप को काट नहीं सकता, कोई किसी को मुक्ति गति दे नहीं सकता, किसी तीर्थ में जाकर नहाने से पाप धुलेगा नहीं। अब ऐसा कह करके बैरी कौन बने, जो ऐसा बताएगा वही लोगों का बैरी बन जाएगा, सहना का भी बैरी बनेगा, खेतवाले का भी बैरी बनेगा। कहीं कोई पुरोहित कोई कर्मकांडी किसी आदमी को बता रहा हो कि ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएगा, आदमी तो दुखी है, परेशान है, तमाम विपत्तियां उसके जीवन में हैं, उन विपत्तियों से बचने के लिए वो गया है किसी पुरोहित पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी महात्मा के पास, और बता रहा है कि तुम्हारे पर ये ग्रह टेढ़ा है, शनि टेढ़ा हो गया है, मंगल यह है, राहु की तुम्हारी दृष्टि है, और तुम्हारे भाग्य में ऐसा ऐसा दोष आ रहा है, तुम्हें ये पूजा करना, वो पाठ करना है, ऐसे में जाकर कहे अरे ये सब बकवास है, तो महात्मा भी बैरी बन जाएगा, वो आदमी भी बैरी बन जाएगा। महात्मा को लगेगा या पंडित पुजारी को लगेगा हमारे स्वार्थ में धक्का पड़ रहा है, इसे ये सही आ गया तो हमारा हमें विदाई नहीं मिलेगी, भेंट पूजा नहीं मिलेगी, पूजापन चढ़ेगा, और वो आदमी को लगेगा कि मैं इतना दुखी हूँ, सब तरह से भटक गया, एक आज की शरण मां मुझे रास्ता बता रहा है, तो ये आदमी आकर मुझे भटका रहा है, दोनों के बैरी वो बन जाएगा। वो
तो साहब कहते हैं सही बात बता करके बैरी कौन बने, कौन दुश्मनी मोल ले। सही बात बताने वाले को लोग सदैव अपना बैरी मानते हैं। इसमें गलती लोगों की ही है, कल्याण सही बात से ही होना है, शांति सही सही बात से ही मिलेगी। लेकिन सब समय सही बात बताने वाले से लोग बिदकते रहे हैं और झूठी बातों से प्रेम करते रहे हैं, इसीलिए भ्रम अंधविश्वास सब समय चलता रहा है, आगे चलता रहेगा। दुनिया ऐसी है, झूठी बात में विश्वास करने वाले लोग यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये भी होगा, लोगों से दुश्मनी मोल लेकर, लोगों के विरोध को झेलकर, लोगों से प्राप्त अपमान तिरस्कार को झेलकर सही बात बताने वाले पहले भी रहे हैं, आज हैं और आगे भी रहेंगे। जिन्हें सही बात का पता चल गया, सही ज्ञान मिल गया है, जो सारे भूल भ्रम अंधविश्वास चमत्कार की जिन्होंने परख कर ली है और जो समझ गए हैं कि चमत्कार अंधविश्वास मिथ्या महिमा सत्य नुस्खे केवल भटकाने वाले हैं, कर्म का फल अपने को भोगना पड़ेगा, सच्चा ज्ञान सच्चा बोध सच्चा आचरण ही कल्याण का रास्ता है। जिन्हें बोध हो गया है वो बिना कहे रह नहीं सकता है, बताएगा बताएगा। लोग रुष्ट हो जाएं, अपमान करें, तिरस्कार करें, दंड दें, तो भी वे चुप रह नहीं सकते। और ऐसे लोगों की कृपा का फल है जो आज सही ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है। सही जैसे एक बड़ी तेजी से असत्य अज्ञान भ्रम कल्पना अंधविश्वास की धारा बह रही है, उसी के समानांतर चाहे धीरे धीरे ही सही सही शुद्ध खरा ज्ञान की भी धारा बह रही है। सही ज्ञान कहने वाले सब समय रहे हैं और सही ज्ञान को समझने वाले जिज्ञासु मानने वाले सत्यशोधक भी सब समय रहे हैं, लेकिन कम रहे हैं। ज्यादातर लोग तो उनका विरोध करते रहे, लेकिन किसी के विरोध करने से सही ज्ञान का विरोध नहीं होता, वो लुप्त नहीं होता। और किसी के विरोध करने से सही ज्ञान कहने वाले जो सच्चे संत सत्य पुजारी रहे हैं वे चुप भी नहीं रहे हैं। हमारा काम है कि ऐसे जहाँ से हमें सही बोध मिले, सही ज्ञान मिले, सही जीवन की प्रेरणा मिले, वहाँ जाएँ, वहाँ के उसको ग्रहण करें, उसको जीवन में उतारें और हम भी जितना संभव हो सही ज्ञान सत्य बात का ही प्रचार कर लोगों को सही बात बताएं बस।